कोरोना के चलते अस्पताल के संसाधनों को सुरक्षित रखने और बीमारी को फैलने न देने के लिहाज से शनिवार को जिला अस्पताल में सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी बंद कर दिया गया है। ऐसे में छोटी मोटी समस्याओं के लिए लोगों से अपने किसी परिचित डॉक्टर से फोन पर ही सलाह लेने को कहा गया है। गौरतलब है कि इसकी सलाह प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र के नाम अपने संदेश में दी थी। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि अस्पताल में इमरजेंसी की सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए इलाज की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल में शनिवार को काफी कम मरीज पहुंचे। यहां पर आने वाले मरीजों को डॉक्टरों ने संक्रमण को लेकर एहतियात बरतते हुए देखा और उन्हें उचित परामर्श दिया। उन्होंने कहा, यहां पर इमरजेंसी की पूरी व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन द्वारा पूरी कर ली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने कहा, आराम करिए, दवा खाइए, घुमा पानी पीजिए, गरारा करिए, घुमा पानी में नमक करिए। या कवर में लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी लगवा दीजिए, जिससे कि आएगा पेशेंट को यहीं पर रख लो, बाहर आकर के हाथ वॉश करेगा, है ना। तो यहाँ पे लग जाता है, यहाँ इस सेट के नीचे को यूटिलाइज कर दीजिए, लेकिन एक वॉश बेसिन चाहिए। इसका एग्जॉस्ट लगना है, हाँ लिख लीजिए अपने उसमें, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास 2500 से 3000 ओपीडी रोज़ होती है, लेकिन आज गैर जरूरी जितनी ओपीडी थी वो सब बंद कर दी गई और आकस्मिक सेवाएं जिन ओपीडी से होती है वो ओपीडी बस चलती रही है। तो इस समय तक 700 के आसपास मरीज हम लोगों ने रजिस्टर करके दिखवा दिए हैं और कहीं भी मरीज को हम लोग इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। कोई भी काउंटर पर लाइन नहीं लग रही है, वहाँ पर गार्ड हमारे मौजूद हैं जिन्होंने डिस्टेंसिंग की बात मरीज को समझा रहे हैं और एक मरीज से दूसरे मरीज के बीच में 1 मीटर से ज़्यादा दूरी रखी जा रही है। ओपीडी जो लाइन लगा करती थी वो हमने बंद करा दिया, सबको मरीज बैठे हुए हैं और उनका पर्चा जमा हो जा रहा है और उसके बाद उनको कॉल करके एक एक करके देखा जा रहा है। और इस तरह से हमने 4 ओपीडी स्टार्ट कर दी है। पहले एक हमारे फ्लू कॉर्नर की ओपीडी चल रही थी, अब आज की तारीख में 4 ओपीडी चल रही है। चारों में अलग अलग मरीज सब देखे जा रहे हैं और भीड़ कहीं भी नहीं है।
सर, कल जनता कर्फ्यू की बात प्रधानमंत्री द्वारा कही गई है, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एकदम पॉजिटिव आह्वान है, जो जनता को ये बताया गया है कि जितना हम घर से नहीं निकलेंगे उतना हम लोग कोरोना वायरस को रोकने में, रोकथाम करने में सफल होंगे। तो एक तरह से ये कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ये आह्वान किया गया है। तो हम अपनी जनता से, अपने लोगों से भी अपील करते हैं कि घर से ज़्यादा ना निकलें, और जो भी आवश्यक सामग्री सबके घर में है एक दिन दो दिन के लिए, उसका भी भंडारण पर बहुत ज़्यादा जोर ना दें। घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, अपने जानने वालों के बीच में रहें, अनजान लोगों के बीच में ना रहें।